Hello students, in this session we are going to continue with exercise number 15.1. Question number 21. A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and others are good. Student, इस question में हमें एक lot दिया हुआ है जिसमें 144 ball pens है, जिसमें से 20 ball pen जो है वो defective है और बाकी सारे जो है वो अच्छे वाले हैं. नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज़ गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज़ डिफेक्टिव. अब एक शॉपकीपर है नूरी, जो कि वही पेन खरीदेगी जो अच्छे वाले होंगे, लेकिन अगर वो डिफेक्टिव पेन हुए तो उन पेन्स को नूरी जो है वो नहीं खरीदेगी. द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट अ रैंडम एंड गिव्स इट टू हर. अब जो शॉपकीपर दुकानदार है उसने इस 144 पेन के लॉट में से एक पेन बाहर निकाला और उस पेन को उसने नूरी को दिया. अब हमें प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करनी है कि नूरी वो पेन खरीदेगी या तो वो पेन नहीं खरीदेगी. दोनों की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. लेट अस सॉल्व दिस. सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर डूइंग इज क्वेश्चन नंबर 21. और जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा है, हमारे पास एक लॉट है जिसके अंदर 144 बॉल पेन्स है. So we can say that total number of ball pens is equal to 144. अब इसमें से 20 ball pen जो है वो defective है. Number of defective ball pens are 20. ठीक है. That means, therefore, number of good ball pens is equal to 144 minus 20, and that is equal to 124. ठीक है. अब शॉपकीपर ने नूरी को एक पेन बॉक्स में से निकाल के दिया. ठीक है. तो हमें प्रोबेबिलिटी फर्स्ट क्वेश्चन में ये फाइंड करनी है कि नूरी वो पेन खरीद लेगी. नूरी will buy a pen. अब नूरी पेन को कब खरीदेगी? जब पेन बिल्कुल भी डिफेक्टिव नहीं होंगे. तो अब टोटल डिफेक्टिव पेन्स 20 है और टोटल नॉन डिफेक्टिव पेन्स 124 है. दैट मीन्स नूरी ये पेन खरीदेगी, इस इवेंट के जो आउटकम्स है वो है 124. ठीक है. सो नंबर ऑफ outcomes favorable to the event is equal to 124. ठीक है. Now let us find out the probability that Nuri will buy a pen. Nuri इस पेन को खरीद लेगी, इसकी probability find करते हैं. And that is equal to न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम्स जो कि 124 है और डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स जो कि 144 है. ठीक है. अब दोनों को हम 4 से रिड्यूस कर सकते हैं. 31 4 ज़ा. ठीक है. और इसको जब आप 4 से रिड्यूस करोगे तो दैट विल बी 4 3 ज़ा 12 एंड 4 6 ज़ा 24. सो दिस विल बी 36 4 ज़ा. अब 4 4 को कट कर दो तो दिस इज 31 / 36. तो नूरी ये पेन खरीदेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 31/36. क्लियर. अब सेकेंड इवेंट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि नूरी जो है ये पेन नहीं खरीदेगी. नूरी विल नॉट बाय अ पेन. अब नूरी पेन कब नहीं खरीदेगी? जब वो पेन डिफेक्टिव होंगे और टोटल डिफेक्टिव पेन्स यहाँ पे 20 है. ठीक है. तो इस इवेंट के जो आउटकम्स होंगे फेवरेबल वो 20 होंगे. सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट इज इक्वल टू 20. क्लियर. Now, let us find out the probability that Nuri will not
बाय अ पेन। न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम्स जो कि कितने हैं 20 है, और डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स जो कि है 144। नाउ लेट अस रिड्यूस देम। 4 5s एंड 36 4s, 4 and 4 विल गेट कैंसल्ड, सो द आंसर इज 5/36। क्लियर?